हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूजी रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ बॉन्स बर्गर नाम के एक मिस्टीरियस और भूतिया रेस्टोरेंट की कहानी लेके, जिन्हें लोग वॉल्टन फाइल्स के नाम से जानते हैं और इनका क्रिएटर है मार्टिन वॉल्स। तो गाइज यार, बिना ज्यादा अंट शंट बकलोली के आज वॉल्टन फाइल्स के राजों से पर्दा उठाते हैं। बात है 1974 की, दिल्ली से 11,700 किलोमीटर दूर अमेरिका के मिशिगन में एक रेस्टोरेंट खुला, बॉन्स बर्गर, जहां की शान थे ये चार एनिमेट्रॉनिक रोबोट्स, बॉन, बेनी, शाह और बूजो। नाउ ये रेस्टोरेंट 28 जून 1974 को खुला, बट कुछ अननोन रीजंस की वजह से ना गाइस 20-25 दिनों बाद 28 जुलाई को इसे बंद कर दिया गया, जिसके बाद बॉन, बेनी, सा और बूजो के बेचारे फैंस का रो रो के बुरा हाल हो गया। अरे गाइज, वहाँ तो कांडी कांड हो रहे थे। रेस्टोरेंट खुलने के एक दो हफ्ते पहले ही तो वहाँ के दो ओनर्स में से एक लापता हो गया था। बाकी फिर रेस्टोरेंट को पुलिस ने 20 जुलाई को ताला लगा दिया। मगर क्यों? क्योंकि पड़ोसियों ने रात में उस रेस्टोरेंट से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। बाकी उनका ये भी कहना था कि इस रेस्टोरेंट की लाइट्स ना रात को खुल जाती थी। जबकि हैरानी की बात तो ये थी ना गाइज कि उस रेस्टोरेंट में कोई नाइट वॉचमैन नहीं था। तो आखिर अंदर हो क्या रहा था? पार्टी सार्टी चल रही थी क्या? अब गाइज, इस रेस्टोरेंट के बंद होने के बाद ना बॉन, बेनी, शाह और बूजो को ना एक जंगल में मौजूद बिल्डिंग में फेंक दिया गया। देन कुछ सालों बाद रेस्टोरेंट को फिर से खोलने की प्लानिंग की गई, जिसके लिए 3 एम्प्लॉइज को उस जंगल वाली बिल्डिंग में उन एनिमेट्रॉनिक रोबोट्स को रिपेयर करने के लिए भेजा गया। बट उन बेचारों के साथ जो हुआ ना गाइज, बहुत गलत हुआ रे देवा, बहुत गलत हुआ। अब गाइज यार, ये हल्का फुल्का इंट्रो हो गया, अब तुम्हें वॉल्टन फाइल्स की कहानी ना शुरू से सुनाता हूँ। तो 1958 में अमेरिका के एक कॉलेज में दो दोस्त हुआ करते थे, जैक वॉल्टन और फेलिक्स क्रैंकन। अब एक दिन की बात है, दोनों कॉलेज कैंटीन में मस्त करके मोमो सूत रहे थे कि तभी उन्हें एक कतई जहर बिजनेस आइडिया आया। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी, 25 दिन में पैसा डबल। अरे ये स्कीम नहीं गाइज, बल्कि एक रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया, जहाँ एनिमेट्रॉनिक रोबोट्स बच्चों को एंटरटेन करेंगे, जैसे फिनेफ में थे। हाँ गाइज, वैसा ही, क्योंकि जो वॉल्टन फाइल्स है ना, ये फिनेफ से इंस्पायर्ड है। ओके, सो बिजनेस का प्लान तो उन्होंने सोच लिया था, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो चाहिए पैसा, जो वैसे भी कॉलेज के दिनों में किसके पास होता है। बात तो सही है। वैसे गाइज, अगर ये आज के टाइम में होते ना, तो शार्क टैंक में जाके बढ़िया से फंडिंग उठा लेते। हम बच्चों के लिए एक पिज्जा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जिसमें रोबोट एनिमेट्रॉनिक्स होंगे। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आज का सवाल, एनएस क्रीपी पास्ता के एंड में रेड को कौन हराता है? ए गॉडजिला, बी एक्रेशियस, या फिर सी मोथरा? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। अब कॉलेज में ना उन दोनों की लव लाइफ ना एकदम फर्स्ट क्लास चल रही थी। दोनों की गर्लफ्रेंड्स थी, जैक की तो थी गुलाबी रोजमेरी और फेलिक्स की थी टिंडा खाने वाली लिंडा। बहुत तेज हो रहा है। नाउ गाइज यार, फिर कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, बट उन दोनों की ना नौकरी नहीं लगती। और करो कॉलेज में यासी। और गाइज, कॉलेज कंप्लीट होते ही बिना नौकरी लगे रोजमेरी और जैक ना शादी कर लेते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और फिर खरगोश के जैसे ना भड़ा भड़ बच्चे पैदा कर देते हैं। 1960 में एक बेटी होती है सोफी, देन 1962 में एक बेटा होता है एड, और फिर 1965 में एक और लड़की होती है मॉली। अब गाइस, कुछ टाइम बाद फेलिक्स और लिंडा भी शादी कर लेते हैं, बट उनकी लव लाइफ ना उतनी अच्छी नहीं चलती, क्योंकि फेलिक्स दारू पीने लग गया होता है, शराबी बन जाता है वो। 30th अक्टूबर 1964 की रात को तो ना गाइस, वो रात को 4 बजे नशे में घर आता है, वो भी फुल टेंशन में रोते रोते। फिर लिंडा उससे पूछती है, क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता?
अरे इनका फैमिली ड्रामा बंद करो और आगे की स्टोरी सुनाओ। अब गाइज यार अक्टूबर में ना कोई कांड हो गया था जिस वजह से ना फिलिक्स ट्रॉमेटाइज हो गया था और उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। देन गाइज एक साल बीत जाता है और फिर 1965 में जैक और फिलिक्स अपने उस एनिमेट्रॉनिक्स रेस्टोरेंट का आइडिया लेके साइबर फंड टेक नाम की एक कंपनी के पास जाते हैं जिन्हें उनका ये आइडिया ना गाइज पसंद आ जाता है। अब गाइज फिलिक्स और जैक की ना एक अपनी कंपनी थी जिसका नाम था बनी स्माइल्स कंपनी और इसी कंपनी के नाम से उन्होंने साइबर फंड टेक के साथ एनिमेट्रॉनिक्स बनवाने की डील करी थी। बट गाइज इन साइबर फंड टेक वालों ने ना एनिमेट्रॉनिक्स बनाने में ना 7 साल लगा दिए पूरे के पूरे और फिर फाइनली बने बॉन, बेनी, शा और बूजो। बट गाइज अब ना फिलिक्स और भी ज्यादा पीने लग गया था, हर समय पीते रहता था वो। अब गाइज 1974 आ जाता है और उन दोनों दोस्तों का कॉलेज में देखा हुआ एनिमेट्रॉनिक रेस्टोरेंट खोलने का सपना फाइनली जून में पूरा होने वाला होता है। बट गाइज उससे पहले ही ना कांड पे कांड होने लग जाते हैं। अब रेस्टोरेंट खुलने से लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, सेकंड में 1974 को एड और मॉली के स्कूल में एक पार्टी होती है शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। बट यार उनके पापा जैक को तो वर्कशॉप में पेपर वर्क निपटाना था क्योंकि अगले महीने तो रेस्टोरेंट खुलने वाला था और उनकी माँ रोजमेरी को उनकी बड़ी दीदी सोफी को डेंटिस्ट के पास ले जाना था। सो गाइज जैक ना फिलिक्स को कॉल करता है और कहता है कि यार एक फेवर कर दे प्लीज, शाम को बच्चों को पार्टी में ले जाके उन्हें वापस ले आना यार भाई प्लीज। नाउ यार दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा, इसलिए फिलिक्स हाँ कह देता है। देन शाम हो जाती है, अब फिलिक्स ना पहले अपने घर जाता है बट घर पहुंचते ही ना उसे तो एक जोर का झटका लग जाता है। उसकी बीवी यानी लिंडा जो खाती थी टिंडा उसे छोड़ के चले गई होती है। अरे गाइस पिछले हफ्ते ना उन दोनों का ना झगड़ा हुआ था फिलिक्स के पीने की लत की वजह से। देन फिलिक्स ने कुछ उल्टा फुल्टा कह दिया और लिंडा फिर रोने लग गई थी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और आज वो टेबल पे ना एक नोट छोड़ के चले गई होती है जिसमें लिखा होता है कि आज से हमारा रिलेशनशिप खत्म, टाटा गुड बाय। अब फिलिक्स इस दर्द में बोतल खोल के देवदास बन जाता है और फिर से पीने लगता है। ना वो थोड़ा पीता है और फिर उसे याद आता है कि उसे तो एड और मॉली को स्कूल की पार्टी में ले जाना था, सो वो उन्हें पिक करने के लिए उनके घर चला जाता है और फिर एड मॉली और रॉकेट को वो गाड़ी से उनके स्कूल पे ड्रॉप कर देता है। अरे अब ये दिवाली का फुस्सबम रॉकेट कौन है? अरे गाइज 1-2 साल पहले जैक और फिलिक्स ने ना एड और मॉली के लिए एक ग्रे रैबिट डॉल बनाई थी और क्रिसमस के टाइम उन्होंने वो डॉल उन्हें गिफ्ट की थी जिसका नाम मॉली ने रॉकेट रख दिया था और वो दोनों ना हमेशा उस डॉल को ना अपने साथ ही रखते थे। A few hours later. गाइस 9:30 बज जाते हैं, पार्टी खत्म हो जाती है और एड और मॉली फिलिक्स अंकल को ढूंढने लगते हैं। देन कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें अंकल फिलिक्स मिल जाते हैं, वो भी कहां बताया गाइस, बार में पैग लगाते हुए। अरे गाइस बीवी छोड़ के चले गई थी उसे, सो बोतल पे बोतल चटकाने में लगा था भाई। बट गाइस मेरे एक चीज समझ नहीं आई, ये अमेरिका में स्कूल्स में बार होते हैं क्या? मतलब फिलिक्स पी कहां रहा था और अगर वो बार में पी रहा था तो उस बार में उन दोनों बच्चों को एंट्री किसने दी? आखिर ये हो क्या है? मतलब कुछ भी हो रहा है ना। बच्चे कहते हैं अरे अंकल कम पिया करो, बट फिलिक्स अंकल हर शराबी की तरह कहते हैं कि अभी तो चढ़ी नहीं है, अभी चढ़ी नहीं है। और ये कह के वो उन्हें गाड़ी में बैठा के घर को निकल लेते हैं। बट गाइस सच तो ये था ना कि अंकल फिलिक्स ने ना दबा के दारू पी ली थी और वो बहुत ही गंदे नशे में थे, इतने नशे में कि उनका पैर एक्सेलेटर से हट ही नहीं रहा था, गाड़ी फुल स्पीड पे भाग रही थी। तभी बच्चे चिल्लाते हैं अरे अंकल धीरे धीरे चलाओ ना। एंड देन की कार का ना गाइस एक्सीडेंट हो गया जिसमें एड और मॉली की डेथ हो गई और बच गए तो शराबी चाचा फिलिक्स। इसी के साथ ना गाइस पार्ट 1 का ना एंड होता है। तो गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, वॉल्टन फाइल्स की आगे की स्टोरी आएगी अगले पार्ट में, जो अगर फटाफट देखना चाहते हो ना तो मैं कमेंट्स में बता दो, हम फटाक से नया पार्ट निकाल देंगे। बाकी होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।